हाल चाल है आपके? बस यार तुम बताओ। बस बढ़िया यार, तुम्हें मिलने आ गए हम 400 किलोमीटर दूर। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और अंधेरा भी पूरा का पूरा हो गया है। फिलहाल हम पहुंच गए हैं ठीक सी मूर्ति में। अबे जी कह रहे बोल, जो बाहर के पैसे ना बोल यहीं दे जाओ, पर खाना खा के जाओ बोल। भाई दोस्तों स्पेशल ना 400 किलोमीटर दूर आ रखा हूँ इस बंदे को मिलने के लिए, और आप सबके कमेंट भी इतने पड़ गए थे। सबसे खूबसूरत चीज ना दोस्तों पता क्या दिखाई दे रही है? जो मुरली। तो सौरभ भाई क्या क्या लोगे तब? देखते हैं जो लेंगे आपको बताएंगे। दोस्तों इस वाली मंदिर में ना भगवान शिव के साथ साथ देखो यहाँ पे गणेश भगवान और माँ पार्वती। दोस्तों आदित्य से यानी डुगू से, फिलहाल डुगू देखो बढ़िया से पता नहीं क्या क्या बोल, शंकर भगवान की जय। चलो भाई दोस्तों एक नया दिन शुरू हो चुका है और एक नए दिन के साथ करते हैं एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, दिल्ली के इस खूबसूरत शहर से और इस प्यारे से नगर यानी आई नगर से। अभी दोस्तों सुबह के ना ठीक 11 बजे का टाइम हो चुका है और अपन भी देखो बढ़िया से रेडी हो गया है। तभी निकल रहा हूँ दोस्तों यहाँ से सीधा सरोजनी मार्केट की तरफ, तो उधर अपना भाई रहता है तो भाई को मिलने जा रहे हैं, और किसको जा रहे हैं वो तो आपको पता ही चल ही गया होगा, और नहीं चला होगा तो कुछ देर में पता चल ही जाएगा। बाकी दोस्तों आज आई नगर के मौसम की बात की जाए तो एकदम प्यारा सा हो रखा है। देखो क्या मस्त मौसम हो रखा है ना, ऊपर से देखो धूप भी आ गई है, बट अभी तो धूप कम है। यानी ये वाला मौसम दोस्तों शहरों में सबसे बेस्ट मौसम है, इसमें घूमने के लिए ना सबसे बेस्ट है। मतलब नहीं तो ज़्यादा गर्मी होती तो इस टाइम निकला भी नहीं जाता। वीडियो का टाइम होता है तो शहरों में बिल्कुल कोहरा लगा होता है, तो वो भी बेकार है। जो ये वाला मौसम है ना, ये वाला मौसम सबसे बेस्ट है। बाकी मिलिए दोस्तों अपने जादू से, और जादू की भी प्यारी मॉर्निंग हो चुकी है। तो गुड मॉर्निंग जादू जी, क्या हाल चाल है आपके? ऐसे सुस्त क्यों हो रखे हो, नींद नहीं खुली क्या अभी तक? अरे भाई चलो भाई दोस्तों अभी बढ़िया से निकल गया हूँ, और प्लान में ना थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी मुझे यहाँ से निकलना है सीधा दिल्ली हाट मेट्रो स्टेशन के लिए। अभी दोस्तों यहाँ से मेट्रो तक दूरी है मेरी कम से कम 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस, यानी मतलब 20 मिनट मुझे पैदल चल के जाना है यहाँ से मेट्रो तक। कैब वगैरह में भी जा सकता था बट पैसे नहीं खर्चने हैं भाई ऐसे बेफालतू के। मतलब जब अपने पास दोस्तों 11 नंबर की गाड़ी है तो पैसे क्यों खर्चे हम बेफालतू के। चलो निकलते हैं। चलो भाई दोस्तों अभी पहुंच गए हैं ठीक दिल्ली हाट में, और एक बार फिर देखो कौन मिल गया हमें, राकेश भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? भाई क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया भाई, बढ़िया। आज फिर से मिल गए भाई दोस्तों राकेश भाई। फिलहाल यहां से अब हमारा आगे का सफर कहां तक है? आगे का सफर कौन सा स्टेशन है पता नहीं, वहां जाके बता देंगे। बाकी यहां से थोड़ा सा सफर और रह गया हमारा, तो निकलते हैं जल्दी से क्योंकि अपनी मेट्रो भी आने वाली है। दोस्तों पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, ठीक भिकाजी गामा मेट्रो स्टेशन पे। फिलहाल ये रहा दोस्तों मेट्रो स्टेशन, अब यहाँ से हमारी लोकेशन है आगे के लिए, सीधा जाएंगे दोस्तों यहाँ से शिवानी दी के घर में। दोस्तों अब हमारा ऑटो का सफर है यहाँ से सीधा आर के पुरम तक, और ऑटो में ना दोस्तों मैं कम से कम ना 4 साल बाद आज बैठ रहा हूँ, यानी 4 साल बाद ऑटो का सफर करने वाला हूँ। हाँ देखो भाई दोस्तों मिलिए खूबसूरत स्मार्ट लौंडे से, हाल चाल है आपके? बस यार तुम बताओ। बस बढ़िया यार, तुम्हें मिलने आ गए हम 400 किलोमीटर दूर। 400 किलोमीटर है? हाँ गाँव थोड़ी बुलाया, तुम्हें दिल्ली में ही तो बुलाया। उत्तराखंड से स्पेशल तुम्हें दिल्ली मिलने आ रखे हैं। ये तो है, ये तो है, बिल्कुल आए यार, बिल्कुल यही तो दोस्ती है हमारी। हमारे साथ राकेश भाई भी जुड़ चुके हैं, ये दोनों जुड़े थे फिर हम दोनों, अब तीनों जुड़ गए। बिल्कुल बोला था ना, जहाँ जाते तीनों साथ ही जाते, तो देखो तीनों मिल गए फिर। बिल्कुल बिल्कुल भाई दोस्तों स्पेशल ना 400 किलोमीटर दूर आ रखा हूँ इस बंदे को मिलने के लिए, और आप सबके कमेंट भी इतने पड़ गए थे तो क्या ही बताऊँ, फिर तो मिलने आना ही था। बन रहा था बहुत दिन से, पर सौरभ भाई की छुट्टियाँ वगैरह नहीं थी तो इसीलिए प्लान डिले, फाइनली आज छुट्टी मिली तो आज प्लान बन ही गया हमारा। बाकी जो हम तीनों की जोड़ी है ना दोस्तों वो बड़ी तगड़ी है, गाँव में भी साथ और दिल्ली में भी आज साथ। चलो बढ़िया है, बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि सौरभ भाई को मिलने जाए। भाई मैं वीडियो बाद में देखता हूँ, कमेंट पहले पढ़ता हूँ। बिल्कुल रिप्लाई भी कर दिया, रिप्लाई भी करूंगा कल से। बिल्कुल इस वीडियो में ना ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, और आप सबके रिप्लाई करूंगा, जो कमेंट रहेंगे ना रिप्लाई करना, और मेरे से जुड़े रहने के लिए ना इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। प्रमोशन कर रहा है दोस्तों अपना,
सब जगह फायदा देखते हैं अपने। नहीं, नहीं, फायदा नहीं है दोस्तों, अगर तुम मेरे से जुड़े रहना चाहते हो ना हाँ। तो अभी तो मैं YouTube वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो मैं Instagram चलाता हूँ, तो मेरे को Instagram में फॉलो कर देना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, राहुल भाई वो कर देंगे, आईडी मेंशन हो रही है यहाँ पे, मेंशन हो जाएगी बिल्कुल। अभी दोस्तों हम जाएंगे सीधा यहाँ से शिवानी दी के घर में। तो शिवानी दी है ना जो सौरभ भाई की बड़ी दीदी है, तो उनके घर में जा रहे हैं और सौरभ भाई भी आज यहीं आ रहे हैं, तो हम यहीं आ गए सौरभ भाई को मिलने के लिए। वेलकम, धन्यवाद। लिए भाई दोस्तों हमारी मोटू दीदी से लिए भाई दोस्तों सोमी भाई से, सोमी भाई राम राम। राम राम, क्या हाल है? बड़े यार तुम बताओ, मान लिया तो ज्यादा गर्मी हो रही है मुझे लग रहा है, ज्यादा गर्मी हो रही है क्या? सोमी भाई मोटा हो गया, बल बॉडी बन गया यार, जिम कर रहा है क्या? लग तो रहा है तेरे को देख के जिम कर रहा है जैसे। दीदी बोल रही है बल मेरे हाथ का खाना खा रहा है ना, तो इसीलिए दीदी भी भारी भरकम, तो सोमी को भी कुछ दिन में भारी भरकम बना ही देगी दीदी। मैं बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ ना इसलिए। अरे वाह 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 भाई दोस्तों, यहाँ देखो सौरभ भाई ने हमारे लेना बढ़िया से देखो काली चाय की व्यवस्था कर दी है। और ये काली चाय क्या है भाई, पहले ये बताओ। ये रम है, रम रम है, ठंड ज्यादा है ना। अच्छा भाई दोस्तों रम मिल गई है, और ये रम हमारे लिए है कोल्ड ड्रिंक, चस हो जाए। तो ये कोल्ड ड्रिंक वाली रम है दोस्तों, जिसको बोलते हैं कोको कोला। बाकी दोस्तों सब चीज ठीक है, पर सौरभ भाई ये दिल्ली में आके आपके साथ ये क्या हो रहा है, फोन को क्या हो गया? ये फोन नहीं, ये तो सोमी का फोन है। अच्छा सोमी का फोन है, अरे यार भाई का फोन दिलाओ यार, ये फोन खराब हो रखा था ना हाँ। तो ये फोन बना के अब घर भेज रहा है मम्मी को वीडियो कॉल करने के लिए। अरे वाह यार बढ़िया यार, गुड। हमारे पास तो फोन है और घर में फोन नहीं था ना, तो इसलिए ये वाला फोन घर भेज रहा है तेरे हाथ। बिल्कुल बिल्कुल ले जाएंगे यार, बिल्कुल ले जाएंगे। मिलिए भाई दोस्तों आदित्य से, यानी डुगू से। फिलहाल डुगू देखो बढ़िया से पता नहीं क्या क्या खा रहा है। हेलो, देखो भाई हेलो भी करता है, गुड। भाई दोस्तों हमारी दीदी हमें बता रही है बोल यहाँ में ना बहुत सारी खेती कर रही है, तो ये वाली खेती देखो भाई दोस्तों, अभी टमाटर का एक पौधा यहाँ पे उग रखा है। बाकी शादी में बोल मैंने मेथी कर रखी है, बोल यहाँ देखो मेथी की हाल देखो आ रही है दोस्तों। इस पुदीना को भी देख के इतना सारा पुदीना यहाँ हो रखा है, देखो कितना सारा हो रखा है ना। वाह यार वाह यार, इतना टाइम ही नहीं हुआ यार रहते रहते, तो मतलब इतना बहुत है ना। बिल्कुल इतना बहुत है। प्याज के पत्ते भी, और प्याज के पत्ते भी देखो भाई दोस्तों कितने सारे प्याज के पत्ते हो रखे हैं। हाँ चार ठोके हैं प्याज के भी, चलो बढ़िया है, कुछ तो है, कुछ तो है, एक रात की सब्जी वही तो हाँ। और ये देखो मेरे गुलाब के पेड़ इतने सारे हैं। बिल्कुल। फिलहाल दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, तो बढ़िया से देखो शाम की टीवी आ गई हमारे लिए, और बढ़िया से बिस्किट भी आ गए हैं। क्या बोनी चाहिए पहले हमको बैठने दो, क्यों तो चलो भाई दोस्तों अभी चाय वगैरह भी अपनी बढ़िया से हो गए, अब निकलने की तैयारी है दोस्तों यहाँ से सीधा अपने अपने घरों की तरफ। बट अभी प्लान कुछ भी बन सकता है, अभी तो हम शिवानी दी के घर हैं, बट अभी सौरभ भाई के घर भी जा सकते हैं जहाँ सौरभ भाई मतलब रहते हैं। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है, या तो घर की तरफ निकलेंगे या तो सौरभ भाई के घर की तरफ निकलेंगे। तो चलो भाई दोस्तों हो चुकी है बढ़िया से तैयारी, हमारी भी निकलने की। फिलहाल देखो मामा का प्यार अपनी भांजी के लिए, इनको भी कर दे बाय। चलो बाय 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 डुगू। हम पहुंच गए हैं बढ़िया से मैपालपुर में, तो सौरभ भाई ना यहीं रहते हैं, तो आज का स्टे शायद हमारा यहीं रहने वाला है। वैसे ना हमें मिल गए हैं बुआ जी, तो बुआ जी नमस्ते, ठीक ठाक हो? बिल्कुल। और बुआ जी ना हमारे दोस्त की मम्मी जी भी हैं, यानी रोहन की, तो काफी अच्छा लगा आपसे भी मिल गए, और हमारी काफी बड़ी बल सपोर्टर भी हैं। अभी ना हम इतनी खतरनाक भीड़ भाड़ से जा रहे हैं ना, तो मुझे ना सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज ना यही लगती है दिल्ली में, दिमाग खराब होता है भाई दोस्तों इस भीड़ को देख के। फिलहाल अब तो फिर भी कम है, जब पीछे से आ रहे थे ना तो जगह नहीं थी भाई। तो यहाँ देखो भाई दोस्तों एक बार फिर मिली है ऋषभ भाई से। ऋषभ भाई राम राम, 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 राम। क्या हाल चाल है आपके? बंदा ऐसा बंदा है ना, इसको बाहर निकलते ही डर लगने लग जाती है कि कहीं मैं खो ना जाऊं। गली तेने बढ़िया नहीं जादू भाई, तेले बोला गली के बाहर आ जा वहीं पे आ रहे, पर ये बंदा पहले आगे पहुंच गया। कोई नहीं ऋषभ भाई को ढूंढने में बहुत परेशानी हुई, लोकेशन शेयर हुई, तुझे कुछ नहीं होगा टेंशन मत ले। बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ भाई, ठीक है तुझे इस दिल्ली में। तो चलो अब हमारा प्लान है दोस्तों यहाँ से कहीं घूमने जाने का, अभी शिव मूर्ति की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉल वगैरह की तरफ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बल इनको शॉपिंग वगैरह करनी है बल। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और अंधेरा भी पूरा का पूरा हो गया है। फिलहाल हम पहुंच गए हैं ठीक शिव मूर्ति में, और ये रही देखो भाई दोस्तों भगवान शिव की एक भव्य प्रतिमा, और कितनी प्यारी सी दिखाई दे रही है ना। तो बोल शंकर भगवान की जय।
दोस्तों इस वाली मंदिर में ना भगवान शिव के साथ साथ देखो यहाँ पे गणेश भगवान और माँ पार्वती, साथ ही में कार्तिकेय भी बहुत खूबसूरत सी प्रतिमा बनी हुई है। साथ ही में इधर देखोगे तो नंदी महाराज भी बढ़िया से विराजमान हो रखे हैं। तो एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव। और मंदिर की खूबसूरती में ना चार चांद दोस्तों इस वाले गार्डन से भी लग रहे हैं। इस वाले गार्डन में देखो ना कितने सारे फूल लगाए हुए हैं, तो बड़े प्यारे से दिखाई दे रहे हैं और खूबसूरत सा माहौल बना रहे हैं। सबसे खूबसूरत चीज ना दोस्तों पता है क्या दिखाई दे रही है? जो मुरली है ना, तो मुरली के जो धागे बने हुए हैं ना दोस्तों, यानी ये दोस्तों धागे से लटके हुए हैं ना, तो ये बड़े प्यारे से लग रहे हैं क्योंकि देखो मस्त बने हुए हैं। बाकी जो ऊपर ना मोर की पंखी होती है ना, वो भी देखो कितनी प्यारी सी दिखाई दे रही है और उस पर भी ना कितनी मस्त डिटेलिंग कर रखी है। और साथ ही में दोस्तों जो प्रभु श्री राम के बाण है ना, उनकी डिटेलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है। चलो भाई दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ठीक मामा जी के घर में, और बुआ जी ने भी कहा था बल जल्दी घर में आ जाना। फिलहाल हमारी खातिरदारी में यहाँ देखो भाई दोस्तों बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख दी गई है। बाकी हमारे साथ सौरभ भाई और हमारी पूरी गैंग ही आ गई मतलब, और जो हमारे मामा जी है ना काफ़ी बड़े सपोर्टर भी हमारे। फिलहाल रोहन तो हमारा दोस्त है पहले से ही जानते हैं हम रोहन को, और बंटी भाई तो आपको पता ही है दोस्तों। अभी मामा जी जो है ना वो हमें जिद कर रहे हैं, मतलब कि वो बोल रहे हैं खाना खा के जाओ। सौरभ भाई बोल रहे हैं बल कि कोई नहीं, बोला मैं अभी बोला हमने दिन में खाना खा के आ रखे हैं। तो मामा जी कह रहे हैं बल जो बाहर के पैसे ना बोल यहीं दे जाओ, पर खाना खा के जाओ बल। घर में आए हो तो खाना तो मेहमान हो यार आप हमारे। नहीं नहीं मेहमान वेहमान कुछ नहीं है। मामा जी बोल रहे हैं बोला आप अगर विशाल मेगा मार्ट जा रहे हो तो बल हम फोन कर देंगे, खुलवा देंगे बल तुम्हारे लिए 12 बजे तक, बट खाना खा के जाओ बल। क्यों सौरभ भाई? मामा जी पॉइंट मार रहे हैं। तो पर खा के जाओ ऐसा नहीं है। हाँ वो जरूर जी की यदि खर्च करें तो तब दीजिए कुछ थोड़ा बहुत जो भी होगा है। तो यहाँ देखो भाई खाने का टाइम भी हो गया है, और साथ ही में ना खाना भी देखो बढ़िया से आ गया है, तो झटपट काम हो गया, झटपट मामा जी खाना लेके आ गए भाई। बाकी तो बुआ जी है ना, तो बुआ जी ने तो झटपट ही कर दिया भाई। मामा जी ने जबरदस्ती एक रोटी भी खिला ली, मन नहीं कर रहा था पर बहुत बढ़िया खाना बनाया, मजा आ गया। स्पेशल इनवाइट कर रखा है मामा जी ने बिल्कुल। भाई दोस्तों अभी अपना खाना वगैरह भी बढ़िया से हो गया है, तो अब हो गया है दोस्तों जाने का टाइम, तो विदा लेते हैं मामा जी से, भाई से भी लेते हैं। चलो मामा जी ठीक ठाक है, चलो सर ठीक है, ओके ओके चलो तब बिल्कुल बिल्कुल आएगा आएगा। चलो दोस्तों वहाँ से ना सीधा आ गए हैं ठीक विशाल मेगा मार्ट में, और सौरभ भाई बोला आज शॉपिंग वगैरह करने वाले हैं। सौरभ भाई क्या क्या लोगे तब? अभी देखते हैं जो लेंगे आपको बताएंगे। ये तो सस्ती है यार 300 की। अच्छा महंगे चाहिए, अच्छी ब्रांड वाली चाहिए? चलो अच्छी ब्रांड देखते हैं फिर, विशाल मेगा मार्ट में से अच्छे ब्रांड कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ओला बुक करेंगे या तो बुक करेंगे, यहाँ तो दिक्कत भी नहीं है किसी चीज की बिल्कुल। देखो भाई दोस्तों अभी ना मैंने ये वाली शर्ट पहन ली है और बढ़िया लग रही है, मतलब पसंद आ रही है, तो कैसी लग रही है जरा कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर देना कैसी लग रही है। देखो भाई दोस्तों अभी दोनों ने पहन ली है बढ़िया से, और अब देखो दोनों पे कैसी लग रही है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ये देखो अगर कमेंट आ गए ना ज्यादा से ज्यादा तो मैं लेने आ जाऊंगा दूसरे दिन। बिल्कुल कमेंट पे टिके हुए हैं हम। राकेश भाई को देखो पीछे, बेचारा राकेश गरीब आदमी ले पा रहा है, ये खाली देख रहे ही नहीं पा। राकेश भाई क्या हुआ? क्या देखने का जब लेना ही नहीं है, ये दोनों तो खाली पीली देख रहे हैं। लेंगे लेंगे भाई यार ये झूठ बोल रहा दोस्तों। कमेंट बॉक्स पे लेंगे अगर कमेंट आएंगे, अगर कमेंट रहेंगे आपके ज्यादा से ज्यादा तो मैं लूंगा, क्योंकि मेरे नियर बाई विशाल मेगा मार्ट है बिल्कुल, तो मैं आ जाऊंगा लेने दूसरे दिन ही। आवा सिरमान आसन भी राजा, क्या दिला रहे हो अपने छोटे भाई? दिला दो यार एक, ये देखना गाइस मेरी गरीबी गरीबी देखना गाइस। आवा सिरमान आसन भी राजा। दोस्तों इन तीनों को देखो, ये तीनों के तीनों ना बाइक में आए तब भी हमसे लेट पहुंच रहे हैं, क्या रीजन है भाई तुम्हारे अंदर लेट पहुंचने का? बाइक चलाने ये बंदा थक गया था, बोला कि मेरे को पानी पिला, कुछ देर हम रूम पे बैठे रहे, पानी पिलाया भाई को,
उसके बाद पहले बाइक सही से लगाई, उसके बाद आए हम, तब जाके आए, तब जाके आए। क्या होगा भाई दीपक भाई, इस बंदे ने बाइक चलाने रात की, गुड नाइट गाइस। तो गाइस हमें फेमस करो, जल्दी से जल्दी फेमस करो गाइस, जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं सौरभ भाई। यहाँ अभी सेलिब्रेशन देख रहे हैं भाई, किसके लिए देख रहे हो सौरभ भाई? अपने लिए। अरे वाह यार भाई। दोस्तों ये हमारी पूरी गैंग अब मिल चुकी है और अभी ना हमने पूरा विशाल मेगा मार्ट घूम लिया है बढ़िया से। बाकी अभी देख ही रहे हैं भाई लोग, जो भी आया था। मैं सुबह 7 बजे ड्यूटी गया था और अभी आया मैं 8 बजे। इन्होंने बोला कि राहुल भाई यार, हम राहुल भाई से सीधे मिलने के लिए आ गए। अरे भाई भाई भाई, 7 बजे आ चुका है तो रात के 8 बजे क्या कर रहा है इसका मतलब, 12 घंटे कहाँ था तू भाई? 7 बजे जाके 8 बजे आया ड्यूटी से। ड्यूटी से इसी बात में आप बताइए के पात्र हो इसमें, तभी दिखा यार सेम पॉइंट इसके नहीं मिलने के लिए। आप बताइए के पात्र हो भाई, हमें ब्लॉग मिलेंगे और हम भी सारो भाई की तरह फेमस हो जाएंगे। आप बताइए के पात्र हो ड्यूटी पर गए राहुल, तब गण गए राहुल, हम गण गए।